सो ये गल्ला हो गई ने 70 मार्क्स का ये पेपर होएगा, 3 घंटिया का होएगा, 30 मार्क्स की जी है इतनी अटेंडेंस लिखी है, इंटरनल असेसमेंट रिटन असाइनमेंट 12 मार्क्स की है, 2 मिड टर्म एग्जाम होंगे 6 6 मार्क्स के। ठीक, इंस्ट्रक्टर नूं ये पहले दस्या है कि 2 सैक्शन ने, दो एक सैक्शन चो 4 क्वेश्चन 10 10 नंबर दे, दो तुसी करने हैं, दूजे सैक्शन चो 4 4 4 क्वेश्चन तुसी दो करने हैं, ये टोटल हो गए। ये पहले च दस्या होया है, चलो दोबारा दस दिना मैं इत्थे कि सैक्शन ए बी सी जिहड़ा है खुद बनाना है। ए दे विचों 4 क्वेश्चन आ गए हैं, तुसी 2 क्वेश्चन करने हैं जो 10 मार्क्स से होंगे, 4 क्वेश्चन आ गए हैं बी चों, दो तुसी करने हैं जो 10 मार्क्स के होंगे, ए बन गए 20, ए बन गए 20, और सी सैक्शन विचों 10 क्वेश्चन जिहड़े ने बनने 3 3 मार्क्स के ने, 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स दे, ये 30 हो गया, ये टोटल हो गया 70, ये बनना है तुहाडा। ये जिहड़े क्वेश्चन आने ने, क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ये दोनों के विचों आएंगे, पांच सिलेक्ट हो गए और पांच दूजे सैक्शन चो बन गए, एनी गल है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स ने 2 दस दिता है, तुहानू होर दसण की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पेपर देख लेने हैं, पेपर बहुत ब्लर है, फिक्का है, माफ़ी पहला तो मंग लेना हाँ। साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव इन एजुकेशन, पिछले साल का सेमेस्टर 1 का पेपर 3 घंटे का 70 मार्क्स ने, सो उस तरह ही ने, पहला सैक्शन है साढ़े को एरिया। डिस्कस द कंसैप्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये की होया कि हुण इन्हें कंसैप्ट भी पूछ लिया, मीनिंग आएगा, नेचर पूछ ली है, स्कोप पूछ लिया है, 3 चीज़ा पूछ लिया है, वड्डा क्वेश्चन हो गया। पहला जिहड़ा कंसैप्ट है 2 मार्क्स का है, नेचर 2 मार्क्स की है, 6 मार्क्स का स्कोप है, इसे 6 मार्क्स का स्कोप ज़्यादा करना है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। नैक्सट है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन तुरिया ही रहिंदा है, ग्रोथ ते डिवेलपमेंट में फर्क की है, पर टेबल बना के आसान तरीके ने करेंगे, याद किदा रखना है, लेकिन नाल इन्होंने प्रिंसिपल भी पाते है। सो 5 मार्क्स का 1 है 5 मार्क्स का 2 है, पेपर लेंथी बन गया, ज़्यादा लंबा बन गया। तीसरा है एडोलसेंट इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कमेंट है ना, ये स्टैनले हॉल की कोटेशन है कि जो ही बच्चा 11 12 साल का होंगे है, वो स्ट्रैस से स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है, तूफान वो मन चलता है। सो ये सच है नहीं है, किस हद तक है इसकी इवैल्यूएशन करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे 10 मार्क्स का। नैक्सट है जिदे विच प्याजे की भी गल करांगे, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली स्कूल एंड मास मीडिया इन डिवेलपमेंट ऑफ एडोलसेंट, मेरे ख्याल में सारा उन्होंने यूनिट चक के उस का उस तरह रख दिता है, फैमिली भी है, स्कूल भी है, मास मीडिया भी है। 3 मार्क्स का ये है पहले वाला, और 4 मार्क्स का ये है, 4 मार्क्स का, और ये 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। सो मेरे ख्याल जे इस तरह पेपर आएगा तो फिर बहुत व्डे छोटा छोटा करना पड़ेगा। नैक्सट है सैक्शन बी, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसिज, सीधा एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ कॉज ही दसने ने, हैरिडिटी एनवायरमेंट उन्होंने एलैबोरेट करांगे। डिस्कस द गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटैलीजेंस, मल्टीपल इंटैलीजेंस थ्योरी, 9 इंटैलीजेंसिज ने वो आप करांगे, वेरी ईजी है, TET दे विच भी हैगियां ने, आसान क्वेश्चन है। अच्छा, डिस्क्राइब डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा वड्डा क्वेश्चन पर बहुत आसान है, 10 मार्क्स का सीधा यही पाया होया है, क्योंकि कुछ फैक्टर लर्नर दे हुंदे हैं, कुछ टीचर टीचिंग दे, कुछ मैथड्स दे है ना, कुछ कोग्निशन दे अफेक्टिंग, रिविजन करांगे सारी। डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, बहुत सौखा पेपर है, सीधा जो सिलेबस है चक के उसी तरह ही पाया है, औखा नहीं है। सैक्शन सी औखा तुहानू कर सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, उत्ते सिलेबस में नहीं सी इत्थे, लेकिन है कि हेल्प करती है सानू बच्चे नू समझण विच, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसैस आसान होंदी है, असी एम जो टीचिंग लर्निंग दे है अचीव कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ हैरिडिटी, जीन्स क्रोमोजोम इमीडिएट पेरेंट्स तो जिहड़े मिलते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डिवेलपमेंट ऑफ अडोलसेंट है ना, कि किन्नी जारी होंगी, ग्रुप किन्ने च कोहेसिवनैस, गैंग बनते कि नहीं, ये वाली गल्ला करांगे। रोल ऑफ डिफरेंट कल्चर इन डिवेलपमेंट ऑफ अडोलसेंट, वड्डा क्वेश्चन है लेकिन छोटा करके करांगे। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, जो मैथ
साइंस लैंग्वेज की एग्जाम्पल तुम्हें दिती है उही आनी है कंसैप्ट ऑफ इंटैलीजेंस लर्निंग एबसट्रैक्ट थिंकिंग यूज ऑफ इंटैलीजेंस टैसट फायदे की होंगे ये कि असी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूज़ कर सकते हाँ बच्चे की एबिलिटी जी है जज होंगी है उसको अकॉर्डिंगली होमवर्क असाइनमेंट दे सकते हाँ ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की करांगे ब्रीफ विच एक्सटेंसिक मोटिवेशन कोई काम करते हो काम का जो सोर्स ज रीज़न है काम करने का बाहरला प्रैशर है भावें वह पॉजिटिव प्रैशर है भावें नैगेटिव प्रैशर है इसनों रिवार्ड एंड पनिशमेंट ना एक्सप्लेन किया जाएगा दो मार्क्स मिल जाएंगे तीन हु इज़ गिफ्टिड चिल्ड्रन 140 क्रिएटिव एक्सट्रा ऑर्डरनरी किसी फील्ड में उन्होंने कहा जाता है सो यहाँ फर्स्ट पेपर है सैकेंड की नैक्सट की गल करते हाँ सैकेंड पेपर है फर्स्ट ही कर चुके हैं सो पेपर नाल करांगे कुछ क्वेश्चन कॉमन होंगे वो नाल ही करांगे दूजी यूनिवर्सिटियां दे बने रह सकते हैं पूछ सकते हो सवाल थैंक यू।